नमस्ते। तो आज हम एक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, एक लाइक जरूर करना है गाइस, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त, क्या चल रहा है। सबसे पहला ये कार्ड यहाँ पर है नंबर 7। नंबर 7 आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो सकता है। आपके पर्सन इंतजार कर कर के थक चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ इतना ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है या कुछ इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है बहुत महीनों से, मे बी 7 महीनों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं और इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। कुछ लोग आप ऐसे भी हो सकते कि या तो आपने इस इंसान को इंतजार करवाया है या आपके पर्सन ने आपको बहुत इंतजार करवाया है और अब इस वक्त आपके पर्सन तरस रहे हैं। ये इंसान बहुत तरस रहे हैं आपका होने के लिए, पेशेंस नहीं रखा जा रहा है। एक तो इस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो या किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है। कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो कंप्लीशन आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके पर्सन के घर वाले जो हो सकते हैं किसी किसी के लिए, ठीक है, किसी किसी के लिए होता है, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है इनके लाइफ में, या तो उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं गाइस कि आपके पर्सन तो कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। ठीक है, आपके पर्सन के लिए आप ही उनकी दुनिया हो, कोई और उनकी दुनिया नहीं हो सकता। वो इंसान बड़ा तरसता है, आपके पर्सन अब मैच्योरिटी लेकर आना चाहते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, हो सकता है किसी किसी के लिए या तो आप बहुत बचकानी हरकतें करते हो या तो आपके पर्सन, और किसी एक की बचकानी हरकतों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लिया जाए, जो भी लिया जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इसलिए इंतजार करवा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप बचकानी हरकतें करते हो, या किसी किसी के लिए इस इंसान को खुद को ऐसा लग रहा है कि वो जिस समझदारी से डिसीजन लेना चाहिए था उन्होंने उस समझदारी से कभी डिसीजन लिया ही नहीं, इसलिए देरी हो रही है। मैच्योरिटी की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बिल्कुल भी सोच समझ कर कुछ भी डिसीजन नहीं ले रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। आपके पर्सन स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही है इस वक्त आपके पार्टनर को। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रेस शादी का भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनके घर वालों ने उनके लिए कोई डिसाइड करके रखा है शादी के लिए, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है किसी किसी के लिए और आपके पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के घर वालों को वो कैसे मनाए इस बात का, इस इंसान को बड़ा टेंशन है। आपके पर्सन इस स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और नंबर 7 दोबारा आया है। यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। नंबर 10 भी खास हो सकता है आपके लिए। ठीक है, जुनून है आपके पर्सन के अंदर। एक तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लोग आपसे बातें करते हैं ऑनलाइन, आप किसी के साथ अगर बात भी कर रहे हो तो ये इंसान बड़े शक करते हैं आपके ऊपर, या ये वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ऑनलाइन है तो आप उनके ऊपर शक करने लग जाते हो कि ऑनलाइन क्यों हो, किसके लिए हो। ठीक है, कुछ ट्रस्ट इशू हमेशा से ही रहा है इस रिश्ते में और ये ट्रस्ट इशू बहुत बड़े स्ट्रेस का रीजन बन चुका है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनके ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते हो, या कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा है। तो जो इंसान दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा है तो सामने वाले के लिए बड़ी टेंशन की बात हो रही है ये। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि बहुत अट्रैक्शन है आपके पर्सन को, इनको ऐसा भी लगता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, लोगों को आपके लिए अट्रैक्शन होता है, लोग आपसे बातें करते हैं। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि इस इंसान को हमेशा ये डर लगा रहता कि आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है, आपकी तरफ तो कोई भी आ सकता है, तो ये बड़ी टेंशन होती है आपके पर्सन को। अट्रैक्शन बहुत होता है, आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यही प्यार को वो छुपाते हैं। अट्रैक्शन भी है, फीलिंग्स भी है, और अभी इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं,
कि जल्द से जल्द वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपको बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई कॉल कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि इनकी जो आपकी तरफ आने की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जल्द से जल्द आना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद अब पेशेंस कर करके थक चुके हैं, अब वो इंतजार नहीं करना चाहते। उनको समझ में आ चुका है कि जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, जब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका ये स्ट्रेस खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, आपके पर्सन आना चाहते हैं आपकी तरफ। ठीक है, और क्या है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है इस रिश्ते में। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी होने की वजह से इतना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन का जो पूरा फोकस है ना आपके ऊपर है, पूरा ध्यान इस इंसान का अभी इस वक्त ऑनलाइन देखे जा रहे हैं आपको या दूर से देख रहे हैं आपको, पूरा फोकस पूरा ध्यान आपके ऊपर है। और कहीं ना कहीं इस इंसान को एक बात समझ में आ रही कि अगर अंडरस्टैंडिंग होती, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को समझा होता, क्योंकि ट्रस्ट इश्यू यहाँ पर है, विश्वास नहीं है, किसी एक का दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर अंडरस्टैंडिंग होती आप दोनों के बीच में, तो आज आप दोनों अलग ना होते, आज दोनों आप स्ट्रेस में ना होते। तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आपके पर्सन समझना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नजर आ रही है, आपके पर्सन खुद भी चाहते कि आप उनको समझे, आप उनकी भावनाओं की कदर करें, और वो इंसान खुद भी आपके लिए सोच रहा है कि वो अब आपको समझेंगे, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग का जो कार्ड यहाँ पर आया है गाइस, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वो अगर अगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि कोई चीज उनको रोक रही है, तो वो अब बाहर निकलेंगे उससे, क्योंकि अब इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उनको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपकी तरफ आना है। कुछ लोगों के लिए पर्सन स्टक है, क्योंकि इस इंसान को खुद कुछ बातें समझ में ही नहीं आती है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में स्ट्रेस का कारण यह है कि इंसान समझदार नहीं है, कुछ लोगों के साथ रिजल्ट होगा। आपके पर्सनल कॉल मैसेज आपको आ सकता है, ये इंसान अपने दिल की बात, अपने जो जज्बात है वो आपके सामने रख सकते हैं, क्योंकि इंसान खुद परेशान है आपसे दूर रह रहकर, ये इंसान आपसे दूर से देखा जा रहा है। और कुछ लोग आप ऐसे कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा आप कर रहे हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप घूम रहे हो फिर रहे हो, और ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं। जितना ज्यादा वो आपको दूर से देख रहे हैं, उतना ही ज्यादा वो तरस रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है गाइस। आपके पर्सन को कुछ भ्रम भी हो सकते हैं, कुछ लोगों का रिश्ता तो सिर्फ भ्रम के कारण खराब हुआ है, प्यार दोनों में है लेकिन इतने ज्यादा भ्रम बना लिए, किसी इल्यूजन में जैसे कि जीता है इंसान। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन कोई फैसला करना चाहते हैं जो भ्रम हो रहे हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके कोई भ्रम है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपके भ्रम को वो दूर करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि वो जल्द से जल्द फैसला लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। और एक ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि बहुत जज किया है आप दोनों ने एक दूसरे को, और गलत तरीके से जज किया है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आपने एक दूसरे को समझा ही नहीं, ना आपने उस व्यक्ति को समझा है ना उस व्यक्ति ने आपको समझा है। भ्रम के कारण यहाँ पर बहुत चीजें बिगड़ चुकी है, एक निराशा दिखाई दे रही है, एक भ्रम दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते का ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, आप उनका साथ दोगे कि नहीं दोगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जन्म जन्म से जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, भास होता है इनको, आभास होता है ऐसा, बार बार जब भी वो अकेले में बैठते हैं, जब भी वो आपको फील करते हैं, याद करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप ना पहली बार नहीं मिले हो, इससे पहले भी आप मिल चुके हो। ठीक है, अब जब आप दोनों पहली बार मिले होंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा होगा कि आप अजनबी हैं। पहली बार जब आपने इस इंसान को देखा तो आपको ऐसा लगा होगा कि आप पहले से ही इसको जानते हो, पहले से ही। ठीक है, तो ये आभास इस रिश्ते में बहुत ज्यादा है। ऐसी भी एनर्जी है कि फ्यूचर तो चाहते हो ब्राइट। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, इनके जो घर वाले हैं, इनके जो घर के जो बड़े हैं, हो सकता है उनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, हो सकता है उनकी मंजूरी नहीं है इस रिश्ते के लिए। कुछ लोगों के साथ रिजल्ट करेगा कि इनके घर वालों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, वो नहीं चाहते रिश्ता बने। कुछ लोगों के साथ हो सकता है ऐसा रिजल्ट। ठीक है, अब आपकी एनर्जी देखते हैं, इस वक्त आप क्या फील कर रहे हो, मेरे जो व्यूअर्स हैं बताइएगा।
लाइक कर देना आपको फटाफट, तब तक देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिल में इस व्यक्ति को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, देखते हैं क्या चल रहा है। देखो ये है आपकी एनर्जी, यहां पर कुछ लोग ऐसे कि आए दिन आप रोते रहते हो, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके दिल में बड़ा दर्द उठता है, आपकी रातों की नींद गायब है, आपके पर्सन ने कोई ऐसा दुख दिया है आपको जो बार बार आपको याद आता है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको मतलब रिलैक्स नहीं रह पा रहे हो आप, बड़े बड़े स्ट्रेस। देखो आपके पर्सन भी स्ट्रेस में है, आप भी स्ट्रेस में हो, और आप तो जैसे किसी एंजाइटी में चले जा रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, बार बार दुखी हो रहे हो, ये आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी। आप चाहते हो सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग, आप चाहते हो शांति से शुरुआत हो जाए, एक कार्ड यहाँ पर उछल कर आ चुका है, आप इंतजार कर कर के थक चुके हो गाइस, बहुत इंतजार करवाया है आपके पर्सन ने आपका, और अब आपसे इंतजार नहीं होता है, थक चुके हो आप। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है पिछले 3 महीने से, किसी किसी के लिए पिछले 3 साल से आप इंतजार कर रहे हो, और अब आप थक चुके हो इंतजार कर करके। आप चाहते हो न्याय मिले आपको, आप चाहते हो कि सच्चाई के साथ न्यू बिगनिंग हो, आप चाहते हो कि इंसान झूठ ना बोले, ये इंसान सच का साथ दे, ठीक है। आप बड़े जिज्ञासु भी हो रहे हो, आप जानना चाहते हो कि इस व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, आप जानना चाहते हो कि ये अगर वापस नहीं आ रहा है तो इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं आ रहा है इंसान वापस। बहुत कुछ सवाल है आपके मन में, उन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे, थॉट्स इतने ज्यादा आते हैं दिमाग में, एक के बाद एक, एक के बाद एक थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो, थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करो। कुछ लोग आप ऐसे कि आपको लगता है आपके ऊपर अन्याय हुआ है, इस इंसान ने बहुत इंतजार करवाया है आपको, आपके जो जो वादे थे, इस इंसान ने जो वादे किए थे आपसे, इस इंसान ने उन वादों को कंप्लीट नहीं किया है, इस इंसान ने झूठ बोला है आपसे। कुछ लोग आप ऐसे भी हैं, आप चाहते हो सच्चाई के साथ न्यू बिगिनिंग हो जाए, ये चाहते हो आप, बैलेंस चाहते हो। यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, आप इस इंसान से मुलाकात चाहते हो, मिलना चाहते हो आप, और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि वो, देखो ये इंसान भी कितना भागा दौड़ा आ रहा है आपकी तरफ, देखो, और आप भी तो वही चाहते हो कि आपको इस इंसान से मिलना है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। आप चाहते हो जस्टिस, आप चाहते हो बैलेंस, आप चाहते हो इस रिश्ते में न्याय, और आपके पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ। इंसान आपसे दूर नहीं रहना चाहते, और आप खुद भी इस इंसान से दूर नहीं रहना चाहते, आप बैलेंस चाहते हो। आपके लिए रिश्ता बहुत ही स्पिरिचुअल है, मे बी आप में से बहुत लोग ऐसे है कि आपको लगता है कि ये रिश्ता कुछ हटके है, कुछ अलग है, एक 3D लेवल से ऊपर आप इस इंसान को फील कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। बार बार आपको इस इंसान के लिए ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये इंसान ना सबसे हटके है, सबसे अलग है। मे बी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि इस रिश्ते बैलेंस ही नहीं रहा है, बिल्कुल बैलेंस नहीं रहा है, और आप चाहते हो बैलेंस, आप चाहते हो न्याय, ठीक है। और वापस वही एनर्जी की डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा जो आपका इंतजार है। कुत्तों को इग्नोर करना है गाइस, कुत्ते बहुत भौंकते हैं आजकल, बहुत भौंकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है कि आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, ये इंसान आपकी तरफ आएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही कि आप दोनों की मुलाकात होने वाली है, और आप खुद भी वही चाहते हो, आप चाहते हो इस इंसान के साथ आगे बढ़ना, आप चाहते हो न्याय, आप चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, और ये होगा, ये होगा, ठीक है। इस वक्त आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, गाइडेंस। आपको किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है गाइस, बहुत ज्यादा अकेलापन आपको आया है। कुछ लोग आप ऐसे कि अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हो, आपके लाइफ में आजकल जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, चाहे करियर को लेकर हो, चाहे जो भी टेंशन है आपके लाइफ में, अगर आप अपने घर वालों से, जिसके भी ऊपर आपको विश्वास है, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, ऐसे किसी व्यक्ति से आपको गाइडेंस लेने चाहिए।
कुछ लोग आप ऐसे कि आप मिलजुल कर किसी के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हो, पार्टनरशिप चाहते हो और आपकी विश कंप्लीट नहीं हो रही है। आप इस रिश्ते में भी मिलजुल कर रहना चाहते हो, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपकी ये विश कंप्लीट नहीं हो रही है। थोड़ा सा अपने आप को भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार ऐसी एनर्जी है इस रिश्ते में कि अंडरस्टैंड की कमी है। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कुछ समझाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को समझते नहीं हो। या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप उनको समझाने की कोशिश करते हो, आप उनको गाइडेंस देते हो, लेकिन वो मानते नहीं है। तो ये कुछ चलता आया है इस रिश्ते में। ठीक है, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेनी है जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो। ठीक है, जरूरी है गाइडेंस लेना जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।